पहुंच चुके हैं हम उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यालय में और अब जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके का बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है सभी पार्टियां अपना जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रही थी अब उस पर एक तरह से रोकथाम लग चुकी है देखना होगा कि इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर का माहौल कैसा बना हुआ है मैं कैमरा से चाहूंगी की एक बार अंदर का दृश्य दिखा दे कि किस तरीके का माहौल अंदर है देख सकते हैं किस तरीके की सुनसान यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि लगता है मौसम को देख के जाड़े के वक्त में आ, सारे जो कर्मचारी हैं और जितने भी नेतागण हैं वो सब अपनी रजाइयों से बाहर निकलना अभी शायद भूल चुके हैं तो इसी के साथ अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि माहौल किस तरीके का बना हुआ है और देखेंगे कि क्या है अंदर का माहौल किस तरीके की तैयारियां अंदर जारी हैं और कैसे कैसे यहां पर काम चल रहा है क्योंकि अब सीधा डिजिटल लड़ाई होने वाली है क्योंकि अब जैसा कि चुनाव आचार संहिता के नियमों के तहत अब कोई भी पोस्टर्स या फिर बैनर्स या फिर फिर बैनर्स चुनावी रैलियों से अब प्रदर्शन नहीं किया जाएगा अब सीधा तौर पर सिर्फ डिजिटल लड़ाई होगी तो आइए देखते हैं क्या है अंदर का माहौल अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर का माहौल जिस तरीके का बना हुआ है सबसे पहले गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष उनके ही जो रूम है उस पर ताला लटका हुआ है बड़ा सा आइए दिखाते हैं ये देखिए ताला ये है गणेश गोदियाल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इनके ही कार्यालय के बाहर ठंड ना ना का मौसम लग रहा है। और चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहे हैं उनका अब ठंडा पड़ना जायज लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब किस तरीके से यहाँ पर चुनावी चुनाव की तैयारियां चल रही है उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरीके का माहौल अब बन चुका है अब और भी कार्यालयों में देख सकते हैं आप गुलाब सिंह कक्ष और भी कई सारे प्रवक्ताओं की जो कक्ष है उनके बाहर बड़े बड़े ताले लटक चुके हैं अब शायद जाड़े का मौसम है इस कारण अभी वो अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकले हैं। पर ये दिखा देती हूँ मैं ताला यहाँ पर भी ताला लग चुका है यहाँ पर भी ताला है मतलब ताला नहीं है पर लॉक है मतलब यहाँ पर भी वो अभी आए नहीं है और भी कई जगह ताला ही ताला है इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल सुनसान बड़ा है ये एरिया और ये कार्यालय जहाँ पर बहुत जोरों शोर से प्रदर्शन चलते हैं हर आ, कोई भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर ही होता है और इसके बावजूद जब आचार संहिता लगी उसके बाद यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अगर कोई मौजूद हो प्रवक्ता या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता तो उनसे बातचीत करते हैं कि इस सुनसान गलियारे में किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है अब हम आपको तैयारियां दिखा देते हैं चुनाव की असल में क्या है तैयारियां ये आप देख सकते हैं नवीन जोशी प्रदेश महामंत्री और पीके अग्रवाल प्रदेश महामंत्री प्रदेश कार्यालय अध्यक्ष गण और ये इनका है कमरा नवीन जोशी आप देख सकते हैं नेम प्लेट्स तो बड़ी शोभा के साथ यहाँ पर लगाई गई है टेबल पर और कार्यालय में यहाँ सिर्फ खाली कुर्सियों के अलावा आप कुछ नहीं देख सकते बड़े बड़े पोस्टर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी हरीश रावत गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह के जिस तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं हमने आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर जितने भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और फिर अब बीजेपी कार्यकाल कार्यालय का दौरा कराया तो उसी को लेकर आज हम फिर अपनी स्कूटी के माध्यम से अब तीसरी जो पार्टी है बीजेपी उसका दौरा कराने लाए हैं और किस तरीके से आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की चहल पहल यहाँ पर हो रही है जहां से ये रोड स्टार्ट होती है बलवीर रोड इसका नाम है जहाँ पर बीजेपी कार्यालय है तो उस रोड में मैंने नजर डाली तो यही देखने को मिला है कि चारों तरफ जो है बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर बीजेपी का मुझे झंडा और बीजेपी के पोस्टर्स देखने को मिले इसके बावजूद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में किस तरीके का झंडा यहाँ पर भी लहरा रहा है कि अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है सारे नेतागणों की यहाँ पर लंबी कतार में गाड़ियां लग चुकी है अब अंदर जाते हैं और आपको अंदर जाकर भी दिखाती है कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है किस तरीके की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है बीजेपी की कि किस तरीके से अब दो विधानसभा चुनाव जो आयोजित होने वाले हैं उसमें क्या बीजेपी कमाल दिखाएगी इसको लेकर अब हम चलते हैं अंदर बीजेपी कार्यालय में और देखते हैं क्या है इस वक्त की sí तो चलिए आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आचार संहिता लागू होने के बाद अब जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कई अन्य दलों की वो सिर्फ डिजिटल हो चुकी है तो इसको लेकर डिजिटल तैयारियां आपकी किस तरीके से चल रही है देखिए आप बीजेपी की अगर बात कहें तो वो किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहें आप चाहे उसे डिजिटली कहें चाहे आप आप उसे बूथ लेवल पे कहें चाहे आप उसको किसी बड़े लेवल पे कहें भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो हमेशा सबसे आगे और सबसे अग्रणी भूमिका में रहती है उसका कारण ये है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो हर वक्त एक्टिव रहता है पार्टी हमारी ऐसे नहीं है कि जो चुनाव के समय पर ही बाहर आएगी हमारे कार्यकर्ता सिर्फ इसी मौसम में आपको देखेंगे चुनावी मौसम में बाकी बल्कि आप दूसरी पार्टीज को अगर देखेंगे तो वो केवल आपको चुनाव के समय पे ही ज्यादा नजर आते हैं यहां पर आपको हर वक्त मैं कहूंगी चाहे वो कोविड काल था चाहे लॉकडाउन का समय था कितनी भी मुश्किल घड़ी इस प्रदेश में इस देश में आई हो भारतीय जनता का पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो डायरेक्ट हमेशा लोगों से जुड़ा रहा जनता से जुड़ा रहा उसको जो समस्या थी उसको उसने सुलझाने की कोशिश करी तो हमारा जो कनेक्ट है लोगों से वो हमेशा रहता है लगातार रहता है तो मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त अब आ, अब जो आगे चुनाव होने वाले हैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं क्या है वो मुख्य मुद्दा आपका जो अब डिजिटल रहेगा देखिए जब सारी पार्टीज जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन में जब वो लॉकड थी जब वो सो रही थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और उस वक्त जो हमने अपनी तैयारी की थी वो लगातार यहां से अगर केंद्र से आप देखें अगर प्रदेश से देखें हर जिले तक हर बूथ तक हम उस वक्त वर्चुअली उसी वक्त हम जुड़ गए थे और वो हमारा जो सिस्टम था वो हमारा तभी से वो शुरू हो गया था कि किस प्रकार से हर बूथ पे हर जगह कार्यकर्ता जो है किसी किसी को अगर जरूरत है तो वो कैसे काम करे यहां से हम केंद्र से एक सेंट्रलाइज सिस्टम से उनसे हम उसी वक्त वर्चुअली हम कनेक्टेड थे और जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ये जो तैयारी थी उस वक्त जो हमारा ये जो हमने वर्चुअली जोड़ने का और सबको रहने का और एक ट्रेनिंग मैं कहूँगी कि एक कार्यकर्ता की होती है कि किस प्रकार से आपको वर्चुअली जुड़ना है बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज इस भी इसमें रहते हैं उसकी ट्रेनिंग उसको पहले से ही है और कई मैं कहूँगी कि पिछले और एक दो साल से वो लगातार इसी चीज को कर रहे हैं तो वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है और हमें इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है जबकि मुझे लगता तो कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देंगे तो वो कितना कर पाएंगे वो वही जान आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त मौजूदा स्थिति कि बीजेपी कितनी सीटों से उत्तराखंड में अब विजय करने वाली आपके हिसाब से देखिए जो हमने नारा दिया है कि अब की बार साठ बार हम उसी को दोहराऊंगी मैं उसी को उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से अभी पंद्रह तारीख तक हमारी रैलीज बड़ी रैली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए भी एक 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 ये चीज़ है और इसको फॉलो भी करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है तो हम किस प्रकार से लोगों से बिना उनको संक्रमित किए और बिना इस तरह की, की चीज़ें किए हम इस महाकुंभ में मैं कहूँगी चुनाव के महाकुंभ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इसमें बहुत ही जिम्मेदारी से हर पोलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करना है और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत जिम्मेदारी से इसमें भाग लेगी कितनी सीटों की आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि आपकी कितनी सीटों से आप विजय प्राप्त करेंगे उत्तराखंड में मैंने आपसे कहा की बार साठ पार और देखना आप साठ के भी आ, पूरा हम पिछली बार आ, और थोड़ा कम थे साठ से लेकिन इस बार हम साठ को क्रॉस करेंगे और भारी बहुमत से फुल मेजोरिटी से मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आएगी जैसा कि इन्होंने बताया कि अब की बार शायद साठ पार का नारा इनका काम कर जाएगा और साठ सीटों से भी अधिकतम से भारी मत से जीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है अब देखना होगा कि इस 2022 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो है भारी बहुमत से जीतती है और किस तरीके का ये लोगों में विश्वास कायम कर पाती है वो भी वर्चुअल माध्यम से डिजिटल माध्यम से कि क्या होगा अब की बार बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य दलों का हाल वो दिखाएंगे हम आपको और साथ ही साथ और भी सारी चुनावी हकीकतों से आपको रूबरू कराएंगे चुनावी दौरा कराएंगे और उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त उससे भी आपको रूबरू कराएंगे तो बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ नमस्कार